नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। आइए इस ऑडियो वीडियो द्वारा मैं आपको हिमालय में घटी एक बड़ी महत्वपूर्ण और सच्ची घटना के बारे में जानकारी दूं। ये बात करीब 200 साल पहले की है। तिब्बत के पहाड़ों में एक विशालकाय उड़ंत स्त्री ने आकर पड़ाव डाला। उस उड़ंत स्त्री में कई ग्रहों से अलग अलग आकृति के अलग अलग तरह के लोग आए हुए थे, जिन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से तिब्बत के एक हर्मिट को उड़न्त स्त्री के समीप आने के लिए प्रेरित किया। ये हर्मिट अंधे थे, क्योंकि पहले चीनियों ने इनको एक बार पकड़ लिया था, ये जान समझते हुए कि इनके पास तिब्बत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये बात उस समय की है जब तिब्बत एक आज़ाद देश था और चीनी तिब्बत को हड़पने की सोच रहे थे। लेकिन इन हर्मिट के पास ऐसी कोई जानकारी थी ही नहीं, फिर भी चीनियों ने इनको टॉर्चर किया और इनकी आंखें निकाल दी, ये अंधे हो गए। अब ये बात कुछ समय बाद की है। एक बार इनको लगा कि कोई अदृश्य शक्ति इन्हें एक विशेष दिशा में जाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो ये हर्मिट चलते गए चलते गए और आखिर में अपने रास्ते में एक रुकावट पाकर ये वहाँ बेहोश होकर गिर पड़े। वो रुकावट दरअसल वही उड़न तश्तरी थी। बाद में उड़न तश्तरी के अंदर से लोग आए और इनको उठाकर अंदर ले गए, उड़न तश्तरी के अंदर इनकी देखभाल की। और जब ये थोड़ा ठीक हो गए तो उड़न तश्तरी में आए हुए एक डॉक्टर जो इनकी देखभाल कर रहे थे, उन्होंने इनको बताया कि वो इसलिए पकड़ के लाए हैं इनको कि इनकी याददाश्त शक्ति बड़ी अच्छी है, जिसको वो ऑपरेशन द्वारा और बढ़ाएंगे। फिर इनको ब्रह्मांड के बारे में और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ऐसा विशेष ज्ञान देंगे। और इनको ये सारा ज्ञान देकर वो हिमालय में एक गुफा बना के वहाँ छोड़ देंगे। और बाद में एक व्यक्ति इनके पास आएगा जिसको ये सारा ज्ञान इनको उस व्यक्ति को देना है, और जब तक ये सारा ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं दे देंगे इनकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। उन्होंने हर्मिट जी को एक यंत्र लगाकर, इनकी ऑप्टिकल नर्व से एक यंत्र लगाकर टेम्परेरी तौर पर दृष्टि भी प्रदान की, ताकि ये सारी बातें सुन भी सकें और देख भी सकें। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल ठीक कर देते यदि तुम्हारी आंखें निकाली नहीं गई होती। क्योंकि तुम्हारी आंखें निकाल दी गई हैं, इसलिए हम तुम्हें स्थायी रूप से दृष्टि तो नहीं दे सकते, लेकिन ये यंत्र द्वारा जब तक तुम उड़न तश्तरी में हो देख पाओगे। उन्होंने हरमेट जी के दिमाग का ऑपरेशन करके उनकी याददाश्त शक्ति को, मेमोरी को कई गुना बढ़ा दिया और साथ में इनकी समझने की शक्ति को भी कई गुना बढ़ा दिया। उन्होंने सारा ज्ञान इनको देकर फिर हिमालय में गुफा बनाकर वहां छोड़ दिया। करीब 60-70 साल के बाद वो व्यक्ति और कोई नहीं थे, तिब्बत के महान लामा ट्यूसडे लॉबसंग रामपा ही थे, जिनको भगवान ने इन हर्मिट के पास वो सारा ज्ञान लेने के लिए भेजा। ये सारी बातें, सारा ज्ञान उन्होंने हर्मिट जी से लेकर फिर अपनी पुस्तक द हर्मिट में लिखा है। ये सारी घटनाएं सच्ची हैं और ये सारी मैंने जानकारी इस ऑडियो वीडियो के लिए उस पुस्तक द हर्मिट में से ही ली है। द हर्मिट जी जब लोबसंग रामपा जी को सारा ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने लोबसंग रामपा जी को बताया कि जब वो पकड़ के मुझे ले गए उन तश्तरी में, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये लोग कौन हैं, मुझे क्यों पकड़ा है, मुझे पकड़ने का मकसद क्या है। तो उन्होंने, हर्मिट ने एक बार अपनी देखभाल कर रहे डॉक्टर से कहा, हमें आपके विमानों की जानकारी है, हम उन्हें देवताओं के रथ के नाम से जानते हैं, यानी कि चैरियट्स ऑफ गॉड्स। आप हमारे नेताओं से संपर्क क्यों नहीं करते? आप ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी का खुले तौर पर खुलासा क्यों नहीं करते? आपको चोरी छुपे मेरे जैसे व्यक्तियों का अपहरण क्यों करना पड़ता है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कुछ अंतराल के बाद कहा, यदि मैं तुम्हें इसका कारण बताऊं तो ये तुम्हारे अंदर एक गलत तरह की भावना उत्पन्न करेगा जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं। हर्मिट जी ने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान डॉक्टर जी,
मैं केवल आपका बंदी हूँ, जैसा कि मैं पहले चीनियों का था। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर सकता, मैं केवल अपने ढंग से इन सब बातों का समझना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, ये सारा ज्ञान क्यों देना चाहते हैं इत्यादि, और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी यही इच्छा होगी। कुछ विचार के पश्चात डॉक्टर ने जवाब दिया, हम पृथ्वी के बागवान हैं, यानी कि गार्डनर्स, और इसके अलावा और कई जीवनयापी संसारों के भी। एक बागवान अपने और अपनी योजनाओं के बारे एक फूल से बातें साझा नहीं करता, या दूसरे शब्दों में कहें, यदि एक याक चराने वाला किसी एक याक को थोड़ा अधिक सूझवान पाता है, तो भी वो उसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे अपने मुखिया के पास ले चलो, और ना ही वो चरवाहा उस याक से वो सब बातें साझा करता है जो याक की समझ से बहुत परे की हों। हमारा ये तौर तरीका कतई नहीं कि हम जिन संसारों की देखभाल करते हैं उनमें से किसी के लोगों के साथ मेल जोल रखें। हम ये गलती बहुत समय पहले कर चुके हैं और इसके कारण भीषण नुकसान सबका हुआ, और तुम्हारे इस संसार में तरह तरह की कहानियां ने जन्म ले लिया। हर्मिट को ये सब सुनकर बहुत क्रोध आया। फिर उसने कहा, पहले तुम मुझे एक असामाजिक व्यक्ति समझ रहे थे, और अब तुम मेरी तुलना एक याक से कर रहे हो। यदि मैं इतना तुच्छ हूँ तो आपने मुझे यहाँ बंदी क्यों बना रखा है? इस पर डॉक्टर जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, क्योंकि हम तुम्हारा प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है जिसे हम और अधिक बढ़ा रहे हैं, और क्योंकि तुम हमारे द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को संजोकर एक दूसरे व्यक्ति के लिए रखोगे जो तुम्हारे पास तकरीबन तुम्हारी मौत से पहले आएगा। डॉक्टर ने फिर कहा, अब तुम सो जाओ। इस पर बाद में हर्मिट जी ने लॉबसन रामपा जी को बताया कि जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा तो मैंने एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ सुनी और अब चेतना की एक काली तरंग में खो गया। साथियों, मैंने आपको एक सच्ची घटना जो हिमालय में घटी है उसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।